नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट। हैप्पी दिवाली दोस्तों। इस वीडियो में आप हमारे गांव में दिवाली का माहौल कैसा था, हम लोगों ने दिवाली कैसे मनाया, ये सब देखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, विस्तार से देखते हैं। इधर देखिए, रेखा हमारे घर में रंगोली बना रही है। अभी शाम को सिस्टर लोग मॉर्निंग में ही चले गए थे। इधर मेरी बेटी बना रही इधर रंगोली, इसका तो लगभग तैयार है। ये अंजलि है, जो मेरा भतीजा है मनीष, उसकी बहन। ये आप लोगों को हमारा दुकान देखना था दोस्तों, इधर देखिए छोटा सा ये दुकान है, ठीक ठाक सामान है इसमें। देखिए दोस्तों, रात में हम लोग कहाँ भटक रहे हैं। वास्तव में हम लोग बेशरम का डंडा ढूंढने के लिए आए हुए हैं, मिर्ची फटाका फोड़ने के लिए। उसमें सेट करके फोड़ेंगे पूरे सेफ्टी के साथ में। हो गया, चलो बेटे। मनीष है मेरे साथ। पहले तो हम लोग मिर्ची फटाकों को हाथ में पकड़ के फोड़ते थे और फेंकते थे उसको जलाने के बाद दिया में, लेकिन अब नहीं। रंगोली बन गया है, अभी एक और रंगोली बना रही है रेखा, जहाँ पर पूजा रूम है वहाँ पे। और इधर यशवंत आ चुका है हमारे घर पे, पूजा करने के बाद फटाका फोड़ेंगे दिया निकालने के बाद में, है ना बेटा। अभी यशवंत बचपन की अवस्था में है तो फटाकों का बड़ा शौक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, आज से 2-3 साल पहले, शायद 4 साल पहले, एक फुलझड़ी होता है ना, जो कि फटता नहीं है, सिर्फ ऐसा कुछ फब्बारा सा निकलता है उसमें, बहुत अच्छा लगता है देखने में, वो मैं जला रहा था। तो वो गलती से फट गया मेरे हाथों पे, 3 उंगलियां पूरी तरह से जल गई थी। तो ठीक होने में काफी दिन लगा था, तो तब से मैंने फटाका फोड़ने के लिए बंद कर दिया था, ना ही मैं खरीदता था। लेकिन इस बार कुछ लेके आया हूँ मैं, सत्या भाई के साथ गए थे तो। और इधर पापा से मिलिए, पापा हमें कृपया करके डिस्टर्ब ना करें। पापा कृपया आप चले, बाद में आए। ओए रुक जा। मैं हर साल ऐसा लेके आता था दोस्तों, फटाका फोड़ने वाला जो गन होता है, टिकली फटाका बच्चों वाला, तो मैं बड़े होने के बाद भी लेके आता था। यहाँ तक कि जब लास्ट बार जब मैं फटाका फोड़ा करता था, तब तक मैं लेके आता था, क्योंकि मजा आता है ऐसा बच्चों के साथ घुल मिल के आप अच्छे से दिवाली मना सकते हैं और बचपन की यादें भी जुड़ जाती हैं इससे। और एक पहले एक सांप वाला गोली जैसा आता था, फिर पता नहीं वो तो नहीं मिला इस बार। पूजा हो गया दोस्तों, अब दिया बाहर निकाल रहे हैं। कुछ दिया और जला देते हैं दोस्तों इधर के तरफ में। एक ठोक कुंडल, वो देखो ना वो कुंडल। इस बार हम लोग लाइटिंग वगैरह नहीं किए हैं घर पे, जब फिनिशिंग हो जाएगा घर का तब अच्छे से सजाएंगे घर को, अभी फिलहाल दियों से ही सजाते हैं। ये बुझ गया, हवा चल रही है इस वजह से। अब फटाके फोड़ेंगे भाई। इन लोगों का फिर शुरू फोटो क्लिक करवाना। चलो मैं इसे स्क्रीनशॉट कर दूंगा ना। हैप्पी दिवाली एक साथ से दोनों ने। हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत आ गया। हैप्पी दिवाली आप सभी को। दोस्तों ये जलाने के बाद जो बच जाता है उसका तार जैसा, उसको जो मेरी नानी थी जब जिंदा थी तो वो बालों में लगाने के लिए यूज करती थी, वो क्लिप का काम आता था। हैप्पी दिवाली। ए मां चला चला।
अब पार हो गया। उसमें एक छेद था तो डर था कि कहीं गिर ना जाए। जाओ दूर ले, सत्य भाई भी आ गए हैं अभी तो। ओ ऊपर वे परे 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 आदरे गई सरे तीन और ना है कि घर ही निकलते हैं हैं चार। हाँ अभी ठीक फाटी से अभी आकाश बम फोड़ेंगे हम लोग। आकाश दीप बोलते हैं। साइड को चलाओ तो साइड से लेगा। अभी जल्दी 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 उधर ही अंकल आ जाना। इसमें जल्दी छोड़ दो। अरे जल्दी जल्दी उड़ 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 अबे गिर जाइए टुंटू अबे फूंकबे तो निकल जाए हवा में। मोर बुद्धि नहीं चलो ना तुहान। अबे जल ही लिए ले आनो ले आनो। एक और चालक शुरू हुई। डर जल्दी डर जल्दी। बस यंग लियान बाबू ओला रख दो। बर्बाद हो गई से भाई। हाँ ठीक गजब। अभी देखत रह दे टुंटुन। फोड़े हो ना पहले फोड़े रहे हैं। आजकल हाथ में फेंक के आदत वाला है। वो फेंकने वाले से ज्यादा मजा आता है दोस्तों। सीरियसली रिस्क भी नहीं है इसमें ऐसा में। वाह क्या खाएगा। वाह तो पानी ले ऊपर कर। आओ दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव के बस्ती के तरफ में। उधर दिवाली में माहौल कैसा है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों हमारे गांव के बस्ती में माहौल कुछ ऐसा है। इधर कुछ बच्चे फटाके जला रहे हैं। किसे ओम हैप्पी दिवाली। ये ओम से मिलिए। ये देना हुला दोनों लेके खोदे दे तोरंग ले दे दे हुला दे 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 दे
आ गए हैं हम लोग, अभी घर के पास में हूँ मैं। दिवाली का माहौल बहुत अच्छा है पूरे गांव में, सिंपल सा ही है लेकिन काफ़ी अच्छा है। काफ़ी फटाके फोड़ रहे सनी, अपने अपने तरीके से खुशियां मना रहे हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब लोग। वीडियो यहां पर मैं एंड करने वाला हूं दोस्तों। अभी मेरे जो दोस्त लोग हैं सत्या भाई और केशर, वो घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर क्या क्या करेंगे पता नहीं, फिर सो जाएंगे और मैं भी सेम ऐसा ही करने वाला हूँ। उम्मीद है आप सब दिवाली अच्छे से मनाए होंगे। कैसे कैसे आप लोग मनाए, कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ होगा आपके लाइफ में, ऐसा कुछ तो मुझे कमेंट के जरिए आप लोग बता सकते हैं। और मुझे सीधे जुड़ने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जो नीचे लिख के आ रहा है, ठीक है। तो मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई आप लोग अपना ख्याल रखें।